हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंकर में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आरुम एमडेन को केवल 5 रुपये खर्च करके कैसे फ्लश किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से, और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने मेम्ब्रेन जो है, ये इसकी हाउसिंग है, इसको ऐसे ही रखा हुआ है जैसे कि ये इसके अंदर लगती है, ये ऐसे ही इसके अंदर जाएगी। ये इनपुट साइड है जहाँ से मोटर का जो आउटपुट आता है वो यहाँ कनेक्ट होता है, और ये जो है ड्रिंकिंग वाटर का है, जो पानी पीने का होता है वो निकलता है यहाँ से, और ये वेस्ट वाटर का है जिसमें कि एक 5450 का फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगा हुआ है। तो होता क्या है, जब ये मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है तो हमें इसको क्या करना है, ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर बाहर निकालना है। ऐसे करके ये बाहर निकाल लेंगे और इसको आर ओ को ऑन कर देंगे, तो इसमें क्या होगा कि जो वेस्ट वाटर है वो पूरी स्पीड से निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जिसको जैसे ही निकालेंगे फ्लो रिस्ट्रिक्टर को, तो इसमें से ड्रिंकिंग वाटर आना बंद हो जाएगा। तो इसको 5 मिनट ऐसे ही चला छोड़ दें तो ये मेम्ब्रेन जो है फ्लश हो जाएगी। 10 दिन के अंदर, या 8 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर, आपको 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही करना है। इससे क्या होगा कि इस आरओ मेम्ब्रेन के अंदर की जो गंदगी है वो निकलती रहेगी और ये क्लीन हो जाएगी, और इसकी लाइफ जो है काफ़ी बढ़ जाएगी। अब ये फ्लश होती कैसे है, इसका क्या क्या फंक्शन होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपको बार बार दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्टर फ्लो रिस्ट्रिक्टर है ये मेम्ब्रेन आरओ के अंदर लगा रहता है, तो आपको बार बार आरओ खोलना पड़ेगा। उससे बचने के लिए आप क्या करें, एक लंबा 5 रुपये का मीटर एक पाइप आता है, इसको एक मीटर पाइप ख़रीद लें, और ये जो पाइप है इसको इसके साथ लगाने के बाद हमारी ये आउटपुट है वो बाहर निकलती है। तो आप क्या करें, इसको हटा दें, इसमें एक पाइप, लंबा पाइप जोड़ें जो आर ओ में डायरेक्ट जोड़ दें, जो आउटपुट होती है वेस्ट वाटर की वहाँ पे कनेक्टर में डायरेक्ट जोड़ दें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हटा के। उसके बाद जो आर ओ के बाहर से पाइप आता है, मैं अभी एक फ़ोटो आपको शेयर कर दूँगा कि कैसे जोड़ना है। उसके बाद जो आउटपुट आती है उसमें आर ओ के बाहर, वहाँ एक टुकड़ा लगाएँ, उसके बाद इसको जोड़ें और यहाँ से आउटपुट निकाल दें। इससे क्या होगा, ये आर ओ के बाहर आ जाएगा आराम से, और इसको आप जब भी फ्लश करना है तो बिना आर ओ खोले भी आप इसको बाहर निकालें, जैसे मैंने अभी इसमें से निकाला, बाहर से ही निकाल लें और आर ओ को ऑन कर दें, तो उसमें से पानी पूरी स्पीड के साथ आता है। ये फ्लश होती कैसे है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। ये देखिए, ये इनपुट साइड है, ये जब हम अंदर डालते हैं तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है इसकी, ये ऐसे ही रहती है। तो होता क्या है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, शायद दिख रहा होगा, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ये देखिए, ये कम चौड़ा होता है इसमें, ये देखिए ये छेद यहीं बंद हो जाता है थोड़ी दूर के बाद, और ये थोड़ा अंदर तक जाता है, ये दिख पा रहे होंगे आप शायद, देखिए ऐसे पाइप डाल के मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखिए, ये इतना, ये आउटपुट की तरफ रहता है इतना गहरा, और अगर आप इनपुट की तरफ देखेंगे तो ये इतना ही गहरा है। ये देखिए, ये इतना बस। इसमें होता क्या है कि जब पानी इसके अंदर जाता है तो ये रबड़ की वजह से, तो ये एक्चुअल में क्या है, केसिंग के अंदर ये ऐसे करके रबड़ इसको पानी को रोक लेती है, ये इसके ऊपर नहीं जाने देती। आप देख रहे हैं, यूज़ करी मेम्ब्रेन है, 2 साल चली हुई मेम्ब्रेन है, और आप इसमें देखिए जरा सी भी गंदगी नहीं है। वो इसकी वजह यह है कि पानी यहीं रुक जाता है, प्रेशर की वजह से पानी इसके अंदर जाता है, क्योंकि ये पाइप यहीं बंद हो जाता है आगे जाके थोड़ी दूर के बाद, तो पानी इस होल में से बाहर निकलता है मेम्ब्रेन के अंदर, इस हाउसिंग के अंदर जा के इसके चारों तरफ से निकलता है और ऐसे करके प्रेशर मारता है इस पर, पानी इस पर प्रेशर मारता है इस वाली एरिया पर, क्योंकि यहाँ पर तो जा नहीं सकता, वहीं रुका रहता है, तो यहीं पर प्रेशर मारता है और इस साइड से पानी निकलता है बाहर, जो कि वेस्ट वाटर कहलाता है, और इसमें से ड्रिंकिंग वाटर निकलता है। इस पाइप में क्या होता है, ये जो इस लेयर चढ़ी हुई है, इस लेयर के अंदर पाइप के अंदर की, मतलब पाइप पर होल होते हैं, तो लेयर से ही फिल्टर हो के पानी उस होल में जाता है और यहाँ से ड्रिंकिंग वाटर बाहर निकलता है इस एरिया से। अब होता क्या है कि क्योंकि ये तो ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर जुड़ा होता है इसके साथ, इससे फ्लो रिस्ट्रिक्टर के थ्रू, तो फ्लो रिस्ट्रिक्टर का काम क्या होता है कि पानी के प्रेशर को अपोज करना, मतलब जो प्रेशर इधर से आ रहा है
उसको बैक प्रेशर मानना, ताकि उसको मतलब ये इसमें क्या होता है, ये सिंपल सी एक चीज़ है, इसके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा कि इसका मेनली काम यही है कि इधर से अगर पानी प्रेशर से जा रहा है तो इधर एक छोटा होल होता है तो इधर से पानी निकल नहीं पाता, तो ये बैक प्रेशर क्रिएट करता है, बस इसका यही काम है और कुछ नहीं है। तो जब इधर से प्रेशर मारा और इधर से तो मोटर का प्रेशर लग रहा है पंप का, और इस साइड से ये पानी को पूरे प्रेशर के साथ निकलने नहीं देता ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर, तो होता क्या है पानी कहाँ जाएगा, फिर पानी जो है फिल्टर होना शुरू कर देता है इस लेयर से, और फिल्टर हो के अंदर बिल्कुल पास जाके पाइप के अंदर जो होल होते हैं उसमें जाता है, और यहाँ से ड्रिंकिंग वाटर निकलना शुरू हो जाता है। तो अब जब हम इसको निकाल देते हैं फ्लो रिस्ट्रिक्टर को, तो होता क्या है कि पानी जाएगा और सेम स्पीड के साथ बाहर निकलेगा। जब फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगा होता है तो पानी सेम स्पीड से निकल नहीं पाता, और धीरे धीरे इसकी जो लेयर होती है इसमें गंदगी जमा होती रहती है, क्योंकि इधर से प्रेशर से निकल नहीं पा रहा, इधर से पुश हो रहा है, तो गंदगी जमा होती रहती है, पानी फिल्टर होकर इसमें निकलता रहता है। लेकिन थोड़े दिन के बाद ये जो है ख़राब जल्दी, मतलब एक टाइम के बाद ये ख़राब हो जाती है, लेकिन जब हम इसको फ्लश करेंगे इसको निकाल के, तो पानी प्रेशर के साथ जाएगा और तुरंत इधर से निकलेगा, तो क्या होगा इसके अंदर जितनी लेयर के अंदर गंदगी होगी वो पूरी साफ़ हो जाती है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसको फ्लश कैसे किया जाता है, और बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको कुछ एडिशनल आजकल मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आ गए हैं कि फ्लश करें, ऑटोमेटिक करें, कुछ भी नहीं है, आप बस एक सिंपल सा पाइप लगाइए और बाहर से ही आप अपना जब 5-10 दिन में एक बार उसको निकाल दीजिए बस, और जब 5 मिनट चल जाए तो उसको वापस लगा दीजिए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट में बताएँ, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।